नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जगदीश शास्त्री ने क्या कहा, हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। शिक्षक भर्ती परीक्षा और अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। अभी खबर आ रही है कि जो अतिथि शिक्षकों के नेता है जगदीश शास्त्री, उन्होंने क्या कहा है, इसको लेकर आप पूरा ध्यान से सुने और आगे आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट खबरें मिलती रहे, इसलिए आप न्यूज टुडे से जुड़े सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके इसको सुनने के बाद अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। तो आइए सुन लेते हैं जगदीश शास्त्री क्या कह रहे हैं, लेट्स गो। सम्मानित मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों, अभी एक आर्टियो चल रही है शिक्षा मंत्री श्री प्रभु राम जी चौधरी जी की, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि वो ऑडियो इस तरह से, एक अतिथि शिक्षक ने उनसे बात किए, एक अतिथि शिक्षक जिसने बात की है वो पूरी तरीके से उनके सामने अपनी बात नहीं रख पाया, और वो भी किसी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, वो उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहीं और व्यस्त थे, इस कारण इस प्रकार के जवाब आए। मेरी उनसे बातचीत हुई है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, वो पूरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर हमको किसी से प्राप्त करना है वर्तमान सरकार से, तो देने वाले वही शिक्षा मंत्री है। घर बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हो, जो लोग भोपाल में हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, इस प्रकार की आपके व्हाट्सएपों की चीज़ें सब लोग पढ़ रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं इस परीक्षा को आगे बढ़वाने या रुकवाने की, उनकी मेहनत पर आप घर पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और व्हाट्सएप पर लिख लिख कर पानी फेर रहे हो। अगर आप यही कर रहे हो तो हम लोगों को बोल दो, हम लोग घर बैठ जाते हैं, आप लोग अपनी मन पसंद जो भी काम हो करिए। फेसबुक व्हाट्सएप पर सरकार के खिलाफ लिखिए या फिर हमें काम करने दीजिए। आप घर बैठे बैठे रजाइयों में पड़े पड़े इस प्रकार की बातें लिख रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सिर्फ आपको घर बैठे फेसबुक व्हाट्सएप पर राजनीति करना है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं चाहिए करना है, और लोगों को फोन लगा लगा कर पूछना है क्या कर रहे हैं। फोन भी मत लगाइए, व्हाट्सएप भी मत चलाइए, इंतजार करिए, सब सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं और निश्चित सफलता मिलेगी। भगवान ने चाहा तो डेट भी बढ़ेगी, सब लोग अपने अपने उससे लगे हुए हैं। अभी हमारी भी मुलाकात हो चुकी है, हमारे जो भी हमारे मंत्री जी, उनके माध्यम से प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ये प्रतिक्रियाएं हमें निराश कर रही है। और ये व्हाट्सएप पर हर मंत्री के लोग जुड़े हैं जो उनको सब चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हो। मैं हर ऑडियो में आपसे बोल रहा हूँ कि संभल जाओ, फालतू की बातें मत करो, फालतू की प्रतिक्रियाएं मत करो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझ में नहीं आता आप लोगों को। अगर इस ऐसी प्रक्रिया से कौन कह देगा कि आप शिक्षक बनने के लायक हो, समझ में नहीं आता। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, काम करने वालों के मनसूबों पर पानी फेर रहे हो। शर्म अगर आती हो तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं करें। अगर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अगर कल तक हो रही तो राजू मीणा जी और हम सब पूरी टीम के साथ अपने घर बैठ जाएंगे, आपके साथ जो हो उसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, वरना चुपचाप बैठकर देखो। पूरा प्रयास किया जा रहा है, भगवान तो नहीं है ना विधायक है ना मंत्री है, लेकिन पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं। 99% 100% हमारी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, रात दिन घर छोड़कर पड़े हुए, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हो। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत हो और अपने भविष्य की चिंता हो तो ये सब चीज़ें न लिखें, और अगर आपको कोई शंका हो तो लिखिए। आप अपनी जानिए, हमसे बात करने की ज़रूरत फिर आपकी नहीं होगी, आपकी बातों का, आपकी लिखावट का आप खुद जवाबदार होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार से राजनीति गर्मा रही है, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसको लेकर के। आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट खबरें मिलती रहें, इसलिए आप न्यूज़ टुडे से जुड़ें सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।